जय श्री श्याम सभी को। मैं हितेश गोयल और ये ब्लॉग मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं भटली सरायपाली से डाक निशान लेके, क्योंकि कुछ ही देर में हम निकलने वाले हैं। यहाँ पे दरबार है जो पीछे देख रहे हैं आप घर, यहाँ से हम लेके निकलेंगे निशान अभी थोड़ी ही देर में। जय श्री श्याम। गाड़ी सज चुका है, मैं दिखाता हूँ गाड़ी आपको। ये गाड़ी है, वैसे हम बाबा विराजमान नहीं करवाते इसमें। और ये जो जगह दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम लोग मतलब जितने लोग चलते हैं आधे लोग और आधे लोग बैठते हैं क्योंकि डाक निशान है, तो इसी में हमारा अभी पूरा एक दिन घर रहेगा। ये हमारा छोटा सा हमारा घर, छोटा सा हमारा ये म्यूज़िक सिस्टम। जैसा कि सबको मालूम है कि परेशानियाँ तो आएंगी, तो अभी क्या परेशानी आई होता हूँ। हमने जो म्यूज़िक सिस्टम लगाया था वो म्यूज़िक सिस्टम ख़राब हो गया है, पता नहीं कैसे, और अभी हम उसको यहाँ बनवा रहे हैं। ये रहा वो म्यूज़िक सिस्टम जिसको हम बनवा रहे हैं, तो ये बनेगा फिर उसके बाद हम फिर से निकलेंगे। पता नहीं कब बनेगा, 2 मिनट का काम में बोल रहे थे 15 मिनट हो गया और हम लोगों को 3 बजे निकलना था, 3:30 अभी बज चुकी है, लगभग 4 बजे के हमको निकलते, मतलब हमारा भटली 1 घंटा और लेट हो जाएगा। देरी पे देरी हो रही है, जो साउंड सिस्टम था एम्पली वो ठीक बिल्कुल नहीं हुआ और बुकिंग दूसरा हमको मिल नहीं रहा है, तो अभी हम लोग आए हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप और वहीं से लेके जाएंगे नया वाला एम्पली। पता नहीं क्यों हमको इतना लेट हो रहा है यार, लेकिन परेशान हो गए हैं बहुत। हम लोग को 2 बजे यानी और निकल जाना था, लेकिन अभी पूरा 4 बज गया है लेकिन अभी तक हम लोग निकले नहीं हैं। चलिए इसी में ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या है, हम लोग हमारी शॉप एम्पली लेने के लिए नया, और ये हमको नया एम्पली गिफ्ट कर रहा है अभी। भगतों के ही तुम पूरन काज करे, ओम जय श्री। जय श्री श्याम। मैंने फुटेज नहीं बना पाई जब निशान नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। अगर मैं ब्लॉग के चक्कर में जाता तो मैं निशान लेट और हो जाता, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। लेकिन अभी हम निकाल लेके निकल चुके हैं। ये पीछे देख रहे हैं गाड़ी, इस गाड़ी पे हम लोग रहेंगे आज एक दिन पूरा, और ये हमारा निशान पीछे आ रहा है सरायपाली डाक निशान, और ये हमारे श्याम लाड ने हमारे साथ चलना क्यों रोक रहा है, रोकना नहीं है। ये हमारे बालाजी का निशान, और वो हमारे बिहारी जी का, हमारे श्याम धर्मा का निशान है। ये मैं दिखाता हूँ निशान लाया हूँ। जय श्री श्याम। आप लाए क्या? और हम लोग पहुंच गए अभी, और ये हैं साहिल जी, ब्लॉग में डलेगा साहिल जी अगर आप देख रहे हैं तो। ये हमको ब्लॉग बनाने नहीं दे रहे इधर जो बैठे बिना चश्मा वाले, ठीक है। और ये हम लोग बैठे हैं हमारे आज के घर में, 15 घंटा का ये हमारा घर, देखो इसकी हालत, ये पटाखे पानी बॉटल और ये फूल का पूरा झोला बुरा, और ये हमारे कपड़े स्वेटर वगैरह खाने पीने का सामान, और ये थोड़ा बहुत हम लोग डेकोरेट करवाए थे, इसको दिखाता हूँ बाकी बाद में दिखाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं सरायपाली से लगभग 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हम लोग खड़े हैं, लेकिन निशान अभी तक 7 किलोमीटर में होगा, 3 किलोमीटर और है निशान को यहाँ पहुँचने के लिए। फिर हमारे कोई दूसरे बंदे चलेंगे, हमारे भाई चलेंगे, कोई और साहिल चलेगा ना, हाँ इसका साहिल चल रहा है। और ये देखो हम लोग जो चूरा कर रहे हैं ये पूरा है, देखो ये इतना सारा, तो ऐसे ऐसे हमारे पास 4 या 5 कार्टून होने वाले हैं, तो जिसको हम बरगढ़ से भटली या जितने प्रेमी हमको रास्ते में मिलेंगे उनका स्वागत, निशान का स्वागत, बाबा का स्वागत, वो सब में हम ये फूल चढ़ाते हैं। तो पूरा बरगढ़ से भटली हम फूलों की होली खेलते जाएंगे, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जय श्री श्याम। तो अभी हम लोग रुके हैं कहाँ पे, छुईपाली में रुके हैं, और हमारे साथ ये हमारे श्याम प्रेमी नवीन भैया। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। ये नवीन भैया हैं जो हमें हर साल यहाँ पे सेवा देते हैं, बाबा की सेवा करते हैं,
और हमारे लिए कुछ व्यवस्था करते हैं। तो अभी भैया ना बहुत अच्छी ना भजिया बनवा के लाए। हमने 20 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है। ये हमारा निशान, मैं और मेरा भाई साहिल, और ये हमारे प्यारे प्यारे बाबा। देखिए आप निशान कैसे रात को लहरा रहा है। हमारे ग्रुप से एक मेंबर का फ़ोन आया कि एक पुलिस वाला साथ में चल रहा, तो हम देखने आगे कि कैसा क्या है। तो आके पता चला कि वो रास्ता दिखा रहा है, उसकी आगे ड्यूटी है और वो रास्ता दिखाते। देखिए वो कैसे तकलीफ में गाड़ी को सिर्फ पैर से ढुलकाते हुए चल रहा है। बाजू में लोग तक घूम के, मतलब ऐसे ही होता है। हम तो इसको पुलिस वाला नहीं समझते, हम तो इसको वही समझते हैं कि बाबा ही इनको भेजता है हमारे पास। और देखो ये कैसे भैया मतलब हेल्प करते जा रहे हैं, रास्ता दिखाते जा रहे हैं। बाजू से लेंगे ना, देखिए थैंक यू सर, हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया। और ये हम लोग पहुंच गए अभी सोहेला, और आ गया हमारा निशान पीछे, वो साहिल लेके आ रहा है निशान हमारा। तो हम सोहेला पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं सोहेला। जय श्री श्याम साहिल, आप मोनू को दे दो। जय श्री श्याम, चलो एक बार हम लाइव आते हैं अभी यहाँ से। तो रात के अभी बज गई है दो बज गई है, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ से लाइव और आपको दिखाते हैं आगे। और ये प्रणव फूल चुड़ता हुआ, इसको नींद से उठाया गया है, फूल चुड़ता हुआ नहीं सोया था। एक मिनट प्रणव इधर देख, प्रणव इधर देख, इधर देख, मैं नहीं सोया था, बोल सोया था। ये ब्लॉग में डलेगा। और ये हमारे जय लाइट डीजे की तरफ से लाइट गिर दी गई। जय श्री श्याम फिर से। और यहाँ पे कोई श्याम प्रेमी निशान का स्वागत कर रहा है। बोलो श्याम प्यारे की जय। जय श्री श्याम। और अभी बज गए हैं सुबह के 4:30, और यहाँ से सिर्फ बटली 8 किलोमीटर होगा। और आप जैसे ये देख रहे हैं पानी, तो रास्ते में जितने भी श्याम प्रेमी हैं उनका फ़ोन आ रहा है कि भैया पानी गिर रहा है, आप लोग कैसे कर रहे हैं, भैया पानी गिर रहा है, आप लोग कैसे कर रहे हैं इतनी ठंड में। लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं आप लोग को, अभी तक निशान पे एक बूंद पानी नहीं गिरा है, ना हम पे एक बूंद पानी गिरा है। क्योंकि ये ठंड का मौसम है और इस मौसम में बारिश हो रही है। आप ये हाल देख सकते हैं रोड का, कैसे भरा हुआ है पानी पूरा, मतलब इतना पानी गिरा है इधर, इतना पानी गिरा है। लेकिन निशान पे एक बूंद पानी नहीं गिर रहा है, ना हमारे ऊपर एक बूंद पानी गिर रहा है। पता नहीं बाबा हमें अपनी छतरी के नीचे रखे हुए हैं और हम बारिश से बच रहे हैं। देखिए ऐसे हम लोग जब भी निशान लेके निकलते हैं ना कुछ बाबा का एहसास हमको होता ही है। तो ये बज रही है सुबह के 4:30, और आज बाबा का जन्मदिन है, और बाबा ने हमें एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा दिया, उनकी प्यारी सी छतरी, कि हमारे ऊपर एक बूंद बारिश नहीं हुई। पूरे सराई पाली से बारिश हो रही है जब से हम निकले हैं, और अभी तक हमारे ऊपर या निशान के साथ बारिश नहीं हुआ। बोले हारे के सहारे की। और हम लोग पहुंच गए हैं अभी भटली रोड, भटली श्याम जी मंदिर। और ऐसा हमको निशान दौड़ा रहे हैं। इतिहास बना दूंगा कृपा कर बाबा। हमें निगाहें दिखाने वालों, हमें निगाहें दिखाने वालों, हमारी हिम्मत है खाटू वाला, हमारी दौलत है खाटू वाला, हमारी दौलत है खाटू वाला। श्याम जी मंदिर पहुंच।
पहुंच गए हमारा निशान लेकर। सुबह की 9 बज रही है और हमारा निशान चढ़ गया है। हम चढ़ाने वाले हैं, आगे की फुटेज में अभी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मुझे निशान चढ़ाना है। तो सबको जय श्री श्याम श्री राधे। हम लोग दर्शन कर लिए भट्टी श्याम जी का और यहाँ से विदाई ले रहे हैं। ये है भट्टी श्याम जी मंदिर जो हम देख रहे हैं।